नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। राजधानी पटना इस वक्त भी पानी पानी है और राजधानी पटना के लोग अभी भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। और अभी हम राजेंद्र नगर में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़ारा, अभी भी यहाँ पे जो है सड़कों पर अभी भी 2 से 3 फीट पानी जो है सड़क पर जो है किनारे में है, जबकि बीच में अभी भी 5 से 6 फीट पानी जो है वो अभी सड़क पर है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इन तमाम चीज़ों को लेकर के दावा किया था कि अगले 24 घंटे में, कल चूंकि उन्होंने ये दावा किया था कि अगले 24 घंटे में राजधानी पटना की सड़कों से पानी हर हाल में निकाल दिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे की मोहलत खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी आप नज़ारा देख सकते हैं, आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कों पर पानी अभी भी बदस्तूर जारी है। अगर नहीं कुछ बाहर हुआ है तो वो है ये बाढ़ का पानी, और अभी भी जो सरकार की तमाम मशीनरी है इस पानी को निकालने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अभी तक सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई है और अभी तक सड़कों पर पानी मौजूद है और अभी भी पटना के लोग जो है वो बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। उनकी जो ज़िंदगी है वो नारकीय हो गई है और हमारे जो नेता हैं वो बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्थल पे हकीकत है वो हकीकत कुछ और ही बातें बयान करती है। ऐसे में साफ है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग दावे जरूर करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे जब बात होती है तो उनके तमाम दावे जो है वो खोखले साबित होते हैं। ऐसे में देखना होगा कि पटना को कब तक निजात मिलता है। लेकिन इसी बीच एक और सबसे बड़ी बात है कि अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने एक बार पुनः अलर्ट जारी किया है जिसमें पटना भी शामिल है और फिर पटना में भारी बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। तो निश्चित तौर पे पटना के जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है, क्योंकि अब जो पानी है उससे अब वो सड़न होने लगी है, उससे अब स्मेल आने लगा है और ये पानी उतरने के बाद और भी जो चुनौतीपूर्ण काम होंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की जो तमाम दावे हैं उसकी जो है वो पोल बिल्कुल खोल चुकी है और निश्चित तौर पे अभी सरकार की मशीनरी को काम करने में काफ़ी समय लगेगा और तब तक राजधानी पटना के लोगों को यूं ही बाढ़ के पानी में जीना पड़ेगा, या यूं कहे कि इसी पानी के साथ जीने की कला सीखनी होगी, जहदोजहद करनी होगी, क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि उनके लिए बिल्कुल इसी पानी में डूब चुके हैं। उनका होना या न होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। नवनीत कुमार, द एसडी न्यूज़, पटना।